अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों क्या हाल है? मेरा सब खैरियत से होंगे, सब ठीक ठाक होंगे। ये मैंने एक महीना तकरीबन हो गया कैरी सब्जी वाली टोकरी में कुछ पौधे लगाए थे, और ये स्वीट पीस के सीड्स भी लगाए थे। वो अब ग्रो कर गए हैं, देखें माशाल्लाह। ये तकरीबन 6-6 इंच के पौधे हो गए हैं सब के सब। तो इनमें मैंने गुड़ाई की है, गोडी जिसे कहते हैं वो की है। तो ये वाली क्यारी भी है, इससे ये होता है कि पौधे की ग्रोथ अच्छी होती है, और इसमें अगर कोई जड़ी बूटी या कोई कीड़ा मकोड़ा हो तो वो भी तल्फ हो जाता है। और इसे हवा लगती है मिट्टी को, जिससे इसके अंदर ताकत आती है। इस तरह करके आप इसे गोडी कर सकते हैं, फिर चाहे आप खाद दे दें कोई। लेकिन वो भी खाद तब आपने देनी है जब ये कोई तकरीबन मिट्टी जो है ना वो इस तरह की हो जाए। ये मैंने कुछ दिन पहले की थी, सर्दी है तो मिट्टी देर से सूखी है। ये देखें ये गीली है थोड़ी सी, और ये देखें ये ऊपर से हो गई है। तो पौधे देखें माशाल्लाह काफ़ी हेल्थी हो जाते हैं इससे। ये देखें ये जब मैंने लगाए थे छोटे थे, ये अब देखें 1 महीने के अंदर ये कितने प्यारे से हो गए, काफ़ी अच्छे ग्रो कर रहे हैं। एक दफ़ा मैंने इसमें खाद डाली है, बार बार डालने की ज़रूरत नहीं है, ना ऑर्गेनिक डाल सकते हैं आप। ये देखें इस तरह करके गोडी कर दी है मैंने, इसमें गुड़ाई कर दी है। ये को अब मिट्टी भी नरम हो जाएगी और इन्हें कीड़े मकोड़ों से भी बचत हो जाएगी, क्योंकि सूरज की रोशनी में काफ़ी ज़्यादा होता है, ऐसे छुआएँ होती हैं जो इनके लिए फ़ायदेमंद होती हैं। हवादार भी हो गया और ज़्यादा, और दूसरा ये कि आपको बताया है कि इन्हें जगह भी मिल जाएगी। तो आप साथ में इस तरह की जड़ी बूटियां जो है ना वो तल्फ करते रहें ताकि पौधे को पूरी उसकी खुराक मिल सके। ठीक है जी, इस तरह आप तकरीबन 1 महीने के बाद लाजमी करें ताकि आप पूरा इसको जो ताकत है वो मिट्टी के अंदर वो मिल सके पौधे को। खाद डालनी है तो आप चाहे कीमियाई खाद डाल सकते हैं, थोड़ी सी ऑर्गेनिक भी, लेकिन मैंने तो अपने गमलों में काफ़ी ज़्यादा पहले ही से खाद डाल दी है। देखिए वो तो काफ़ी हेल्थी हैं, जब फूल आने पर आएंगे तब मैं दूंगा इन्हें खाद। उम्मीदा है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेशन होगी आपके लिए इस वीडियो में। तो मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा आपको नई नई वीडियो से, ताकि आपको नई नई वीडियोज़ मिलती रहें। ज़्यादा चाहूँगा, अल्लाह हाफिज़।